भारत के आज के इस लेक्चर में हम 1914 से 1918 के बीच की जो प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि रही उस दौरान भारत में हुई गतिविधियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जिसकी शुरुआत 4 अगस्त 1914 से हुई थी, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 28 जुलाई 1914 को हो चुकी थी। अंततः इसके दो गुट बने थे जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी की हार के यानी पराजय के बाद 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां रही उसमें भारतीय लगभग 8 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की जो उदारवादी संघ था, उग्रवादी संघ था, सभी ने ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग किया और भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भेजा। दरअसल वो ये उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि कहीं इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन जो है वो स्वशासन की जो हमारी मांग है यानी कांग्रेस की मांग है उसे मानेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें लगभग बहुत भारी मात्रा में 13 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा मात्रा में पैसे धनराशि खर्च हुए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, डगमगा गई। इन परिस्थितियों में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसी समय 1914 में ही तिलक जी बर्मा से जेल से 8 वर्ष की सजा काटकर वापस लौटे। तो बाल गंगाधर तिलक जी जब भारत में वापस लौटे तो 1915 तक जो कांग्रेस का उदारवादी संघ था और जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता सरीखे लोगों का प्रभुत्व था, तो 1915 तक गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता इन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1916 में सबसे पहले एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग यानी गृह शासन का सुझाव दिया था। इस होम रूल लीग की जो सुझाव था उसके बाद पहला होम रूल लीग तिलक जी ने 1916 में गठित किया था। ये जो होम रूल लीग था यानी एनी बेसेंट जी द्वारा सुझाव दिया गया जो होम रूल लीग था, इसका उद्देश्य पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी बल्कि एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करना था। डोमिनियन यानी स्वशासन, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन की प्राप्ति, यही होम रूल लीग का उद्देश्य था। तो हम धीरे धीरे इस पर सब चर्चा करेंगे। इसके पहले होम रूल लीग के पहले लखनऊ पैक्ट होता है यानी लखनऊ समझौता 1916 का। लखनऊ समझौता दो मायने में महत्वपूर्ण है। पहला कि जो पिछले 9 सालों से गरम दल और नरम दल कांग्रेस का बंटवारा हुआ था अब ये दोनों एक साथ आ गए यानी गरम दल नरम दल का विलय हो गया। दूसरा, जो मुस्लिम लीग थी वह कांग्रेस के निकट आई और इस तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता जो हुआ उसी को लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 1916 से 1922 तक तब तक चला जब तक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया। तो इस तरीके से हम एक एक कड़ी सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे। होम रूल लीग की मांग के अनुरूप मॉन्टेग्यू सुधार भारत में 1917 का आया जिसके मद्देनजर 1919 में भारत सरकार अधिनियम की घोषणा हुई। तो इस तरीके से आइए एक एक कड़ी सुलझाते हुए हम बढ़ते हैं और उम्मीद है कि आपको ये पूरी कड़ी हमारी यानी ये पूरा लेक्चर पसंद आएगा। साथ साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, स्क्रीन शॉट के भरोसे न रहिए, एक एक अंत तक बने रहिए। आइए चलते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां थी तत्कालीन कारण क्या रहा, जो ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे आर्चड्यूक फर्डिनेंड, तो आर्चड्यूक फर्डिनेंड व उनकी पत्नी की 28 जून 1914 को सेराजोवा में हत्या कर दी गई। सेराजोवा जिस पर तत्कालीन समय में ऑस्ट्रिया और हंगरी की हुकूमत थी, वर्तमान में अगर सेराजोवा की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेराजोवा जो है वो बोस्निया व हर्जेगोविना, आप मैप में भी देखिएगा बोस्निया व हर्जेगोविना, तो बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है सेराजोवा। तो सेराजोवा ये बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी, ऑस्ट्रिया यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के आसपास के इन देशों को आप देखेंगे ये दोनों एक ही देश है बोस्निया व हर्जेगोविना।
तो इस तरीके से यहाँ जो हत्या हुई ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की 28 जून 1914 को यही तत्कालिक कारण रहा प्रथम विश्व युद्ध का। 28 जून को हत्या हुई, 28 जुलाई तक परिस्थितियां ऐसी हो गई कि विश्व युद्ध की घोषणा हो गई। पूरी दुनिया दो खेमों में बटी, एक खेमा मित्र राष्ट्र की श्रेणी में आया और दूसरा खेमा जो कि तथाकथित केंद्रीय शक्तियां उन्हें कहा जाता था। जो एक खेमा था जो कि सर्बिया के साथ हो लिया, जो मित्र राष्ट्र का खेमा था जिसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा चीन देश ने भी इसमें अपनी भागीदारी की और मित्र राष्ट्रों के साथ भूमिका निभाई। जबकि ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी, हंगरी, उस्मानिया, तुर्की और बुल्गारिया रहे। तो इस तरीके से ये दो खेमों में बटा। यहाँ पर जो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ जब ब्रिटिश हुकूमत ने युद्ध की घोषणा की तो जो मुस्लिम लीग अब तक प्रथम विश्व युद्ध में 1915-16 के पहले की बात है, तो अब तक प्रथम विश्व युद्ध में जो मुस्लिम लीग अंग्रेजों का समर्थन कर रही थी, अब तुर्की पर आक्रमण के बाद यानी ऑटोमन साम्राज्य, क्योंकि वहां खलीफा की सत्ता थी और भारतीय मुसलमान भी खलीफा को अपना ये एक पवित्र रूप में मानते थे, भारतीय मुसलमान भी। तो इस तरीके से खलीफा का महत्वपूर्ण स्थान था भारतीय मुसलमानों के लिए भी। तो अब इसके बाद मुस्लिम लीग धीरे धीरे अंग्रेजों से दूर और कांग्रेस के निकट आने लगी, जिसकी भूमिका हम अभी देखेंगे। तो इस तरीके से दो खेमा बटा जिसमें भारतीयों का सहयोग मिला ब्रिटेन को। मैंने बताया कि 8 लाख भारतीय सैनिक आए, लगभग 4.5 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों की मृत्यु भी हुई थी। इसके अलावा ढेर सारे अन्य भारतीय सैनिक हताहत भी हुए। इन परिस्थितियों में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1921 में अंग्रेजों ने दिल्ली में इंडिया गेट की आधारशिला रखी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक लगभग शहीद हुए थे, 13,000 से ऊपर भारतीय वीर सैनिकों का नाम इंडिया गेट पर उत्कीर्ण है। तो इस तरीके से उदारवादियों ने यह सोचकर समर्थन किया ब्रिटेन का कि ताज के प्रति वो अपनी स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं और ताज इसके बाद से जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तो ताज यानी ब्रिटिश क्राउन भारतीयों की स्वशासन की मांग को स्वीकार करेगी। उग्रवादी युद्ध के बाद आजादी सोच रहे थे कि युद्ध के बाद अब ब्रिटेन उनको आजाद कर देगा। गांधी जी की भूमिका भी प्रथम विश्व युद्ध में रही, क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत आ चुके थे। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर चलाई। एम्बुलेंस कोर वह थी कि जो ब्रिटेन के सैनिक थे उन सैनिक घायल सैनिकों की मदद की करती थी एम्बुलेंस कोर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में। तो इस तरीके से 9 जनवरी 1915 को गांधी जी के योगदान के कारण ब्रिटेन ने कैसरे हिंद की सरकारी उपाधि से भी गांधी जी को सम्मानित किया। लेकिन भारत में गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया, तो गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो उनकी गतिविधियां रही उसके कारण कहा गया। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध ब्रिटेन द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद जो मुस्लिम लीग थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नजदीक आई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, इसलिए 1914 से 1917 ये 4, 14, 15, 16, 17 4 अधिवेशन हुए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में 1914 के अधिवेशन के बारे में बताया था कि जो कि मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें कोई भी ब्रिटेन का गवर्नर यानी किसी राज्य का, किसी प्रेसिडेंसी का गवर्नर मौजूद रहा, तो वो मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पेटलैंड मौजूद रहे थे इस समय। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि 1914 में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पेटलैंड मौजूद रहे। तो इस तरीके से ये प्रथम विश्व युद्ध की पूरी भूमिका रही। इसके बाद इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट का कारण मैंने बता दिया, 1915 में बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और 1916 में लखनऊ में। इन दोनों ही अधिवेशनों में कांग्रेस व लीग के अधिवेशन एक साथ हुए थे। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पहली बार कांग्रेस व लीग का अधिवेशन एक साथ कब हुआ था, तो 1915 बंबई में, ठीक है। 1916 में दूसरी बार फिर कांग्रेस व लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ।
बंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने 1915 के अधिवेशन में भाग लिया था, जबकि संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नर जेम्स वेस्टन व उनकी पत्नी ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। तो इस तरीके से 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ वो कई मायने में महत्वपूर्ण रहा। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। उग्रवादियों का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय किया गया, पहली महत्वपूर्ण घटना मैंने शुरू में बताया तिलक और बेसेंट के प्रयासों से। प्रश्न पूछा जाता है कि उग्रवादियों का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय किनके प्रयासों से किया गया, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट, जबकि बाल गंगाधर तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पहली बार मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में भाग लिया था यह जानना जरूरी है। तो 1913 के मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। उसी साल कराची के कांग्रेस अधिवेशन में भी जिन्ना ने भाग लिया था। तो ये प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण था आपके लिए जानना था। इसके बाद से लीग के नेताओं ने स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया। तो लीग के जो नेता थे उन्होंने स्वशासन को, स्वशासन यानी अपना गृह शासन, मैंने बताया है कि अंग्रेजों के अधीन एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, यही स्वशासन था, अपने अधिकारों की मांग। इसके बाद से गांधी जी की सर्वप्रथम राजकुमार शुक्ल से मुलाकात। राजकुमार शुक्ल वही शख्स थे जिन्होंने गांधी जी को सर्वप्रथम चंपारण के किसानों के बारे में अवगत कराया था। तो राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार से संबंध रखते थे, तो राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुई थी। इसी दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अधिवेशन, ये जो 1916 में स्थापना हुई थी, तो उसमें पहली बार गांधी जी ने राष्ट्रीय मंच से अपना भाषण दिया था। तो इस तरीके से लखनऊ समझौता अधिवेशन भी, लखनऊ एक्ट भी हुआ जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसमें दो महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जाननी जरूरी है। पहला कि कांग्रेस ने जो पृथक निर्वाचन मंडल था मुस्लिम वर्ग के लिए उसको औपचारिक रूप से स्वीकार किया, हालांकि दूरगामी इसका नकारात्मक भरा भयावह परिणाम मिला और भारत, इसके बाद से भारत की जो भारत का बंटवारा हुआ उसमें भी इसे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद 19 सूत्रीय पत्र द्वारा ब्रिटेन से विभिन्न उत्तरदायी सरकार की मांग भी की गई थी ये लखनऊ पैक्ट द्वारा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें लखनऊ पैक्ट की रही। इसके बाद लखनऊ पैक्ट के बाद हम आते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 में हुआ था, एक प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण है कि होम रूल जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आप देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो होम रूल लीग का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आयरलैंड के एक नेता आइजक बर्ट ने किया था। किसने? आइजक बर्ट, याद कर लीजिएगा, आइजक बर्ट ने किया था होम रूल लीग का सर्वप्रथम। और होम रूल लीग की सर्वप्रथम स्थापना किसने की थी? तो ये एक आयरिश नेता ने की थी जिनका नाम रेडमांड था। किसने? रेडमांड ने, रेडमांड। तो दो प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, पहला होम रूल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आइजक बट्ट ने किया था। दूसरा कि सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो आयरलैंड यानी आयरिश नेता रेडमांड को जाता है। भारत में जो होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव रहा वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जोसेफ बप्तिस्ता ने दिया था। तो जोसेफ बप्तिस्ता ने, बप्तिस्ता का इनका नाम आगे भी आएगा या बैप्टिस्ता, तो जोसेफ बैप्टिस्ता ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव किया था। तो ये तीन बातें आपको यहाँ जाननी जरूरी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 8 मई 1917 को पुणे में राष्ट्रवादियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव जोसेफ बप्तिस्ता ने दिया था। ये सब आपके नोट्स का हिस्सा होना चाहिए। इस तरीके से आइए हम आगे बढ़ते हैं। 18 जून 1914 को या 18 जून 1914 को तिलक 8 वर्ष की सजा के बाद
मांडले जो भी बर्मा जेल है, तो मांडले जेल से रिहा होकर भारत पहुंचे। इस समय भारत की परिस्थितियां बड़ी बदल गई थी, 8 वर्ष पूर्व और इस समय काफी अंतर हो चुका था। तो इस तिलक जी का एक स्टेटमेंट यहाँ महत्वपूर्ण है कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। तिलक जी जब आए उन्होंने भारत को बदला हुआ देखा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। अब बाप यानी पिता या पालक को यह चाहिए कि वह बेटे को उसका अधिकार दे दे। इस दिशा में भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा। तो ये तिलक जी का स्टेटमेंट था। इसी स्टेटमेंट के संदर्भ में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 2 जनवरी 1914 को एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमन वील में स्वशासन आंदोलन की सर्वप्रथम व्याख्या की। आप जानते हैं कि न्यू इंडिया और कॉमन वील ये दोनों ही एनी बेसेंट का पत्र है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जबकि मराठा और केसरी ये तिलक जी का पत्र है जिसके माध्यम द्वारा वो अपना प्रचार प्रसार किया करते थे। अपनी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसका प्रचार प्रसार उसे संचालित किया करते थे। तो इस तरीके से 28 अप्रैल 1916 को तिलक जी द्वारा बेलगांव यानी पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। यहाँ दो बातें मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जो सुझाव दिया था होम रूल लीग का या प्रस्ताव दिया था वो दिया था एनी बेसेंट ने, लेकिन सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को की। जो ये तिलक जी का होम रूल लीग था ये बड़ा सीमित स्थानों पे था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, क्योंकि मुंबई में एनी बेसेंट जी का होम रूल लीग चल रहा था। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश और बरार, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार, ये 4 स्थानों पर तिलक जी का होम रूल लीग था। तिलक जी के होम रूल लीग से ज्यादा विस्तारित एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। तिलक जी के होम रूल लीग के अध्यक्ष बैप्टिस्टा बनाए गए थे, जोसेफ बैप्टिस्टा, और सचिव एमसी केलकर यानी केलकर साहब बनाए गए थे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि तिलक जी का जो होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव केलकर साहब। इसी तरीके से 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट द्वारा लीग की स्थापना की गई थी अपनी होम रूल लीग की, जिसका मुख्यालय मद्रास के अडियार में बनाया गया था। बंबई में ये सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, लेकिन इसकी सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में ही स्थापित की गई। लगभग 500 से अधिक शाखाएं मद्रास में थी। इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल बनाए गए। महत्वपूर्ण है कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। बंबई के साथ साथ अखिल भारतीय स्वरूप इसने प्रदान किया। एनी बेसेंट जी की सहयोगी की भूमिका में 2 लोग रहे, एक बीपी वाठिया जो कि मद्रास के मजदूर नेता रहे, और दूसरा स्वामी अय्यर। तो स्वामी अय्यर और बीपी वाठिया ने बेसेंट जी का सहयोग किया। तिलक जी के ये बेसेंट एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उससे बड़े महत्वपूर्ण हस्तियों का नाम जोड़ा जाता है, तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर शत्रु, इन सभी, इसके अलावा लाला लाजपत राय, इन सभी लोगों ने ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग का सहयोग किया। होम रूल लीग केवल भारत में ही बल्कि भारत के बाहर भी काफी पॉपुलर हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय ने भी होम रूल लीग की स्थापना भारत के बाहर की थी। इसके अलावा लंदन में लीग की स्थापना हुई थी, ये 7 जून 1916 को लंदन में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ग्राहम पॉल इसके महासचिव बनाए गए थे। कौन? लंदन में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई 7 जून 1917 को, उसके सचिव कौन थे? तो ग्राहम पॉल थे। तो इस तरीके से 1917 में अब परिस्थितियां ऐसी हो गई कि एनी बेसेंट को अंग्रेजों ने पकड़ा और उन्हें जेल में डाल दिया। एनी बेसेंट के साथ साथ उनके अन्य सहयोगी यानी बीपी वाठिया और जॉर्ज अरुंडेल को भी जेल में डाल दिया गया। तो 1917 की गिरफ्तारी के कारण जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी सुब्रमण्यम जी को, तो सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सरकारी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। पूछा जाता है कि सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी? तो एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाठिया की गिरफ्तारी के कारण। 1917 में जब एनी बेसेंट जेल में थी, उसी समय कांग्रेस ने अपने 1917 के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को का नाम प्रस्तावित किया। इस तरीके से एनी बेसेंट
भारत की पहली महिला थी, भारत की ना तो ये एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ध्यान रखिएगा। और भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू, ये आप जानते हैं 1925। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछे कि पहली महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो सरोजिनी नायडू। तो इन संदर्भों में 1917 में अब चूंकि प्रथम विश्व युद्ध की गतिविधियां चल रही थी, भारत में क्रांतिकारी और इस तरह के आंदोलन रुक नहीं रहे थे, विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी थी, भले ही ब्रिटेन और उसके सहयोगी जीत की तरफ अग्रसर हो रहे थे लेकिन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ब्रिटेन की स्थिति बड़ी चौपट हो रही थी। इन सब परिस्थितियों में अब भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने के लिए मॉन्टेग्यू साहब को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इस तरीके से लॉयड जॉर्ज जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉयड जॉर्ज, तो लॉयड जॉर्ज ने मॉन्टेग्यू साहब को भारत सचिव नियुक्त किया। भारत सचिव चूंकि मॉन्टेग्यू साहब काफी उदारवादी थे इसलिए उन्होंने 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा भी की। मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में हम अभी यहाँ देखेंगे, लेकिन एनी बेसेंट जी जब मॉन्टेग्यू घोषणा हुई इधर 1918 में दोनों जो लीग थी, तिलक जी और एनी बेसेंट दोनों लीग का ये को एक साथ जोड़ दिया गया यानी विलय कर दिया गया। 1918 में मॉन्टेग्यू घोषणा के समर्थन में एनी बेसेंट जी ने अपनी होम रूल लीग की गतिविधियों को रोक दिया, जबकि तिलक जी वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा करने के लिए लंदन चले गए, क्योंकि इन आप जानते हैं कि अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो इसी कारण मानहानि का दावा करने के लिए तिलक जी इंग्लैंड चले गए। इन परिस्थितियों में अब होम रूल लीग पूरी तरीके से ठप हो गया और होम रूल लीग अपने कार्यों जो होम रूल लीग के कार्य था वो पूरा समाप्त हो गया। लेकिन होम रूल लीग को की जो गतिविधियां रही उनको जो उनका योगदान रहा उसे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि होम रूल लीग पहली ऐसी लीग थी जिसने देश के सामने स्वशासन की ठोस मांग रखी थी, यानी स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इसका दूरगामी परिणाम भी पड़ा। तो इस तरीके से होम रूल लीग की गतिविधियों को या होम रूल लीग की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। 1918 में अब गतिविधियां पूरी तरीके से होम रूल लीग की बंद हो चुकी थी। 18 में ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इधर 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा हो चुकी थी। मॉन्टेग्यू घोषणा को जो कांग्रेस का उदारवादी संघ थे उन्होंने भारत का मैग्ना कार्टा कहा, लेकिन तिलक जी ने इसे सूर्य विहीन उषाकाल कहा, ये याद रखिएगा। 1918 में जो उदारवादी संघ ने मॉन्टेग्यू घोषणा का सहयोग किया, इसके अलावा एनी बेसेंट जो कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर कभी नहीं रही, वो स्वशासन की मांग भी किया करती थी, तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। इधर 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मॉन्टेग्यू घोषणा का समर्थन करते हुए कांग्रेस से अलग भारतीय उदारवादी संघ यानी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। इस तरीके से मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत जो जो बातें रही उन बातों को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थान दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन लागू व्यवस्था लागू की गई, इसके अलावा प्रांतीय विषय आरक्षित व हस्तांतरित में भी विभाजित कर दिए गए, इसके अलावा भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने का अधिकार दिया गया, इसके अलावा लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, इसी समय साइमन कमीशन की स्थापना का प्रावधान, ये एक कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था कि जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जाएगी, तो जो कमीशन 1929 में जाने वाली थी चुनावों के मद्देनजर ब्रिटेन में चुनाव के 2 साल पहले 1927 में साइमन कमीशन गई थी। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी मॉन्टेग्यू घोषणा रही। यहाँ 2-3 बातें और बता देना जरूरी है। पहला कि गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश यानी लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। किसके सदस्यों को? तो गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को, हालांकि वो बाहर से पर्ची वगैरह बांटकर लीग का समर्थन कर सकते थे। इसके अलावा जो ब्रिटेन में फेबियन आंदोलन हुआ था, फेबियन यह एक समाजवाद था, तो इस फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था ये प्रश्न पूछा जाता है, तो एनी बेसेंट ने।
फेबियन आंदोलन, ये फेबियन एक समाजवाद था जो इसका समर्थक था कि हमें बदलाव तो चाहिए लेकिन हिंसा के बलबूते पर नहीं, हमें बातचीत और उत्तरदायी सरकार द्वारा बदलाव की जरूरत है। तो ये फेबियन समाजवाद था जिसके प्रस्ताव पूछा जाता है कि एनी बेसेंट ने रखा था, याद रखिएगा। तो इस तरीके से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी ये मैंने आपको यहाँ बता दी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन मद्देनजर ये 1917 का मॉन्टेग्यू घोषणा इन्होंने रखा 1919 में, एक तरफ तो ये भारत सरकार अधिनियम के तहत उत्तरदायी सरकार की वकालत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा के गिरफ्तार किया जा सकता था। अति तो तब हो गई जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से अब परिस्थितियां अलग हो गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था लेकिन 4 फरवरी 1919 को चौरी चौरा कांड के कारण, मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी को हुआ था न कि 5 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इन सब चीजों की पृष्ठभूमि, इसके अलावा जो गांधीवादी युग था 1915 से शुरू हुआ जिसमें चंपारण और अन्य आंदोलन हुए, ये सब मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे इस लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाइए। इसके अलावा अपने यार दोस्तों तक भी हमारे इन लेक्चर्स को पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे लेक्चर से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद मित्रों।